एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 एमसीक्यू क्विज टेस्ट 4 टोटल 60 क्वेश्चन और ध्यान देंगे। ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, तो दोनों टॉपिक मिला के 80 नंबर का पूछता है केवल इन दोनों टॉपिक से, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप से। तो 60 क्वेश्चन टेस्ट पूरा देना और अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे ताकि सब लोग टेस्ट दें। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज एनसीसी में है। बाकी आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हूँ, गूगल पर सर्च कर लेंगे। पीडीएफ बी वाले अब पीडीएफ नहीं लेंगे, आप वीडियो से याद कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि एक दिन बस कल आपका एग्जाम है। जिनका बी का अब मार्च में है, 11 तारीख वाला पीडीएफ नहीं लेंगे क्योंकि पीडीएफ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? तो पीडीएफ आपको मिलेगा इस नंबर पर, आप मैसेज कर लेंगे 9341325130 पर। जिनका बाद में पेपर है, सी वाले का है और बी वालों का बाद में है, कल के बाद आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है? बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है। और ध्यान दें, जिनका बी का पेपर है, कल जिनका पेपर है एग्जाम दे के, आप ये नहीं कि सो जाएंगे, तो टेंशन फ्री, तो फिर आपको अगले साल इसी तरह से टेंशन होगा। 7 बजे जो क्लास होती है पूरे ईयर कंटिन्यू चलती है, तो 7 बजे मतलब 45 मिनट आपको रेगुलर क्लास करते रहना, ठीक है? पूरे टाइम फिर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहता हूँ कि कैसे तैयारी करो क्या करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा देना। फर्स्ट, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3, 8। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीडर? 60 में 60 जो सही बता दिया, ए ग्रेड कंफर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन 200% कंफर्म पूछता है किसी भी मॉडल पेपर में, कहीं भी एग्जाम हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खेल। थर्ड, WTLO का फुल फॉर्म लिखे, होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, व्हाइल टाइम लेडी ऑफिसर्स। स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए फुल फॉर्म का। चलो सभी लोग, ए ग्रेड सभी का आएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आएंगे, अलग से नहीं पूछेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। फोर, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है, स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। सामाजिक शिष्टाचार किस जगह में व्यवहार करने के लिए सिखाता है? यह भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता, ऑप्शन डी समाज में। फिफ्थ, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट वीवीआई सारे मॉडल पेपर्स में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो जितने आपको तेजस चैनल पे पढ़ाता हूं सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डर को। सिक्स, खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है, खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। ये भी आपको सारे मॉडल पेपर्स में मिलेगा। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर का भुगतान। अब रिटर्न आपका कल है तो ध्यान दे, कम से कम 2 बार, जो मैंने 1150 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, कम से कम 2 बार आप रिवीजन कर लोगे क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे डेफिनेटली। ऑल इंडिया में 90+ 90% प्लस सेम क्वेश्चन, 100% भी सेम आ सकते हैं। तो कम से कम 2 बार 1150 क्वेश्चन वाली वीडियो आप अच्छे से देख के याद कर लोगे और अपने अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना कि इसको पढ़ लो बेटा। 7, रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं खाली स्थान, आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान। आज का प्रैक्टिकल टोटल जितने मैंने आपको बताया था क्वेश्चन उसी में से पूछे हैं। मैंने प्रैक्टिकल वाला स्क्रीनशॉट सबका लेके, जो लोग मैसेज किए हैं बताए हैं, वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट वीडियो में। डी, ज्ञान। 8, खाली स्थान प्रभाव के कानून है, 18, 7, 21, 13। प्रभाव के कितने कानून हैं? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 21। 9, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजर, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। गुड जोश।
सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 10, दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है, आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय। दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है, ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपसी। भारतीय तट रेखा का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, सुंदरबन, केप कुमोरिन यानी कन्याकुमारी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अभी पूछा है साउदर्न पार्ट क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। 12, कोरोमंडल तट खाली स्थान के किनारे स्थित है, हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। अभी पेपर का लेवल काफी हाई कर दिया है ए बी और सी तीनों का भैया, और अभी नए क्वेश्चन सारे हम लोग को पढ़ने बाकी हैं, तो सारे कवर हो जाएगा, क्लास कंटिन्यू करेंगे। सी होगा पूर्वी घाट। 13, कोंकण तट खाली स्थान के किनारे स्थित है, हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। कोंकण तट खाली स्थान के किनारे स्थित है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। 14, कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो होता है ना, बेल आइकन, उसको ना आप ऑल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, ऑल पे कर दीजिएगा क्लिक, तब जाके आपको सारे नोटिफिकेशन जाएंगे यूट्यूब के थ्रू। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक में। 15, मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। 16, एनसीसी ध्वज में आसमानी नीला रंग किसका प्रतीक है, एयर विंग, गर्ल्स विंग, नेवी विंग, आर्मी विंग। एनसीसी झंडे में स्काई ब्लू कलर किस विंग को शो करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है एयर विंग को। 17, एनसीसी ध्वज में लाल रंग एनसीसी के किस विंग का प्रतीक है, एयर विंग, गर्ल्स विंग, नवल विंग, आर्मी विंग। एनसीसी ध्वज में रेड कलर एनसीसी के किस विंग को, रेड मतलब खतरा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आर्मी विंग को। 18, एनसीसी के जनक कौन है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब एनसीसी की शुरुआत किसने किया था भारत में, करेक्ट आंसर पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन ए। 19, सीएटीसी की अवधि कितनी, मतलब सीएटीसी कैंप कितने दिनों का लगता है, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। सीएटीसी कैंप कितने दिनों तक लगता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 दिन। 20, हर साल आरडीसी कैंप आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। हर साल आरडीसी कैंप किस जगह पर आयोजित किया जाता है, मतलब कहां पर होता है, ऑप्शन ए नई दिल्ली। 21, सिक्किम की राजधानी कहां है, गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी बताएं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगतोक। 22 एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में? एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेपाल में। 23 यूएनओ का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? मेक्सिको में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में? सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में, ठीक है। और डीजीएनसीसी वाला आपको मैंने बता रखा है वेबसाइट, वहां से आप पढ़ेंगे, वहां सारे नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ए बी सी तीनों के लिए। यूएनओ का मुख्यालय डी होगा न्यूयॉर्क में। 24 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़? विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इतना हार्ड क्वेश्चन है, इसका तो आंसर किसी को नहीं आता होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बरगद का पेड़, यानी बनियान ट्री। 25 हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29, 28, 30, 38? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री, सबका सही होना चाहिए, मोस्ट वीवीआई एंड इजी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। तो टोटल राज्य 28 है, बी होगा। 26 छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? गंगतोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर? वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? बच्चा वाला क्वेश्चन है, परफेक्ट होना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रायपुर। 27 राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं? राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शक्ति और साहस का। 28 टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल की, जापान की, रूस की, बांग्लादेश की? सारे क्वेश्चन आपको अभी ना काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस को ना टफ कर दिया है। करेक्ट आंसर टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डी होगा। 29 भारत के पहले सीडीएस कौन थे, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे? हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। 30 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं, तो ध्यान से आंसर देना, 90% लोग गलत देते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया अशोक चक्र, मोर, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ? ध्यान से आंसर दीजिएगा, ये सब ना नर्सरी एलकेजी का क्वेश्चन है, फिर भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया अशोक स्तंभ है, डी होगा। 31 7.62 mm एलएमजी का वजन क्या है? 9.2 kg, 4.5 kg, 2.9 kg, 9.1 kg? व्हाट इज द वेट ऑफ 7.62 mm एलएमजी? गुड जोश, अच्छे से याद करना, ठीक है, नए क्वेश्चन काफी है। 9.2 kg, ए होगा। 32 7.62 mm एलएमजी की लंबाई बैरल के साथ क्या है? 1130 mm, 650 mm, 1300 mm, 1131 mm? ये भी हमने पहले नहीं पढ़ा है, एलएमजी का लंबाई विथ बैरल, मतलब एलएमजी का लेंथ ना कभी पूछा ही नहीं था, तो हमने पढ़ाया नहीं था आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1130 mm, ये तो इंसास का भी होता है ना। 33 7.62 mm एलएमजी के खाली मैगजीन का वजन क्या है? 395.89 ग्राम, 394.89 ग्राम, 395.90 ग्राम, 304.81 ग्राम? ये देखिए, मैंने 0.01 का डिफरेंस है, वाह बेटा, इन दोनों ऑप्शन में इतना खतरनाक पूछेगा।
मतलब आपको पूरा आंसर अच्छे से याद करना पड़ेगा। ए होगा 395.89 ग्राम। नेक्स्ट 34, 7.62 mm LMG का मजर वेलोसिटी क्या है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 2300 फीट प्रति सेकंड, 1200 फीट प्रति सेकंड, 1500 फीट प्रति सेकंड। मैं ना काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा ताकि आपका टेस्ट, वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट हैं, आधे घंटे 40 मिनट लेट हो गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड। 35, 7.62 mm LMG का रेंज क्या है? 500 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG? बच्चा वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 500 मीटर। 36, 7.62 mm LMG का कारगर रेंज बाइपॉड पर क्या है? 1000 गज, 5000 गज, 6000 गज, 2000 गज। LMG का कारगर रेंज ऑन बाइपॉड, एक पूछता है ऑन ट्राइपॉड, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। करेक्ट आंसर ए होगा 1000 गज। 36, 7.62 mm LMG का कारगर रेंज ट्राइपॉड पर क्या है? 2000 गज, 4000 गज, 5000 गज, 1000 गज। लो भैया अभी का अभी पूछ दिया। LMG का इफेक्टिव रेंज ऑन ट्राइपॉड, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2000 गज। 38, 7.62 mm LMG में कितने गोली आते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 50 राउंड, 60 राउंड। मतलब LMG की मैगजीन क्षमता पूछ रहा, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 39, 7.62 mm LMG सामान्य फायरिंग गति क्या है? 28 राउंड प्रति मिनट, 450 से 500 राउंड प्रति मिनट, 84 राउंड प्रति मिनट, 96 राउंड प्रति मिनट। LMG का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 28 राउंड प्रति मिनट। 40, 7.62 mm LMG का साइट रेडियस कितना है? 830 mm, 500 mm, 600 mm, 850 mm। ये सारे क्वेश्चन नए हैं, मुश्किल है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ना आप लोग क्विज का ना, इस जो क्विज होता है टेस्ट देने से पहले, आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने अपने NCC ग्रुप में शेयर कर दो ताकि आपके जूनियर सीनियर साथी सब लोग पढ़ लें। ए होगा 830 mm। 41, इनमें से कौन सा फील्ड फॉर्मेशन नहीं है? भाग, ब्रिगेड, स्टेशन, मुख्यालय। इनमें से कौन सा फील्ड फॉर्मेशन नहीं है? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं नए नए, तो अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। डी, मुख्यालय। 42, इनमें से कौन सी लड़ाकू सेना नहीं है? तोपखाना, बख्तरबंद कोर, पैदल सेना, यंत्रीकृत पैदल सेना, मतलब ये ना मैकेनाइज इन्फेंट्री को बोल रहा है। इनमें से कौन सी लड़ाकू सेना नहीं है, मतलब फाइटिंग आर्म्स नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है तोपखाना। 43, खालिस्तान की भूमिका युद्ध क्षेत्र में ऐसी अग्निशक्ति प्रदान करना है कि दुश्मन न तो हमारे ऑपरेशन में हस्तक्षेप करे, नहीं अपना प्रभावी ढंग से विकास कर सके। तोपखाना, बख्तरबंद कोर, पैदल सेना, यंत्रीकृत पैदल सेना। तो काफ़ी पढ़ने में तो मज़ेदार लग रहा है, मैंने ऐसा हमला करना है फायर कि दुश्मन ना तो ऑपरेशन में कुछ करे और ना ही उधर से फायर करे, ये तोपखाना। 44, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय खालिस्तान पर स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई। यानी सेना का एकीकृत मुख्यालय किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 45, शत्रु युद्ध के समय का सामना करने पर दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अशोक चक्र। मतलब लड़ाई के समय का सबसे वीरता पुरस्कार या फिर शत्रु का सामना करने पर सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र।
46 है, शत्रु का सामना करने शांतिकाल के अलावा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अशोक चक्र। क्या होगा? शत्रु का सामना करने के अलावा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, मतलब शांतिकाल के दौरान? डी अशोक चक्र। 47 एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के लिए एनसीसी सी प्रमाण पत्र में आवश्यक न्यूनतम ग्रेडिंग क्या है? ए बी सी डी। मतलब एनसीसी स्पेशल एंट्री आता है ना फॉर्म, जो अभी शायद निकला है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए सी सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड होना चाहिए कम से कम? ऑप्शन बी, बी ग्रेड। 48 जिला पुलिस मुख्यालय की कमान किसके द्वारा संभाली जाती है? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, महानिरीक्षक आईजी, उप महानिरीक्षक पुलिस डीआईजी। जिला के पुलिस का मुख्यालय का कमान किसके हाथ में होता है? बी पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के कमान में। 49 खाली स्थान हमारे देश को प्रदान की गई अमूल्य सेवाओं के लिए सेना के एक जनरल ऑफिसर को दी जाने वाली सर्वोच्च मानद रैंक क्या है? मार्शल, फील्ड मार्शल, एडमिरल, महानिदेशक। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो, बाकी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल। 50 भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी संगठन कौन सा है जिसे आमतौर पर ऐसी स्थिति में तैनात किया जाता है जो नियमित पुलिस इकाइयों की क्षमताओं से परे हो? विशेष सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। टोटल 61 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा और कमेंट करके बताना कितना सही किया। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो कौन कौन आज के विनर हैं कमेंट करें, किसका 60 में 60 है? आप सभी को कांग्रेचुलेशन। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर मिलेगा। जिनको पीडीएफ लेना है, पीडीएफ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अपना बुक नहीं है, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लेंगे 9341325130 पे, अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की पीडीएफ, किस लैंग्वेज में, पूरा लिख के भेजना, हाई हेलो नहीं करना। फिर पेमेंट करने के बाद पीडीएफ दे दिया जाएगा। और 1150 क्वेश्चन का वीडियो मैं फिर से ग्रुप में भेज दूंगा, दो बार कम से कम रट्टा मारो, ठीक है, एग्जाम जाने से पहले दो बार, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, अल्फा कन्फर्म। 7 बजे एमसीक्यू क्लास, 8 बजे भी एमसीक्यू क्लास, चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने जूनियर्स को बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो, इसलिए अब जैसे आपके जूनियर जिनको नहीं पता कि तेजस चैनल पे क्लास चलती है अच्छे से, वो अगले साल उसको टेंशन होगा जैसे आपको हो रही है, आपके सीनियर ने नहीं बताया, तो आप लोग ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, इस वीडियो को भी और 1150 वाला भी। तो मिलते हैं शाम में, और जिनका बाद में पेपर है, कल नहीं है, ठीक है, जोर शोर से, आपका तो और अच्छे से तैयारी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।